लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। शहर बसाने वाली सिडको ने कोविड योद्धाओं के लिए 4488 मकानों की एक विशेष घरकुल योजना लॉन्च की है। स्वतंत्रता दिवस पर घोषित इस घरकुल योजना में पुलिस और आरोग्य कर्मियों के साथ ही उन कोविड योद्धाओं को नवम्बई में मकान दिए जाएंगे जो कोरोना को हराने में जुटे हैं। सुनील शेट्टी समेत दर्जनों फिल्मी सितारे इसका प्रचार करते नजर आ रहे हैं। सिडको का दावा है कि कोरोना योद्धाओं के लिए आरक्षित सभी मकान अफोर्डेबल कीमत के होंगे। हालांकि जिस तरह विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है उससे मकानों के सस्ते होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोविड योद्धाओं के लिए लॉन्च की गई सिडको की घरकुल योजना आजकल सुर्खियों में है। सिडको का दावा है कि 4488 मकानों की यह विशेष घरकुल योजना कोविड योद्धाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रारंभ की गई है। इनमें आरोग्य कर्मियों, पुलिस जवानों या यूनिफॉर्म धारकों को घर मिलेगा जो अपनी जान का जोखिम लेकर कोरोना को हराने में जुटे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी कोविड योद्धाओं को लुभाया जा सके इसके लिए फिल्मी अभिनेताओं और कलाकारों से विज्ञापन कराया जा रहा है। कई बड़े हीरो हीरोइन अपील कर रहे हैं कि सिडको का घर खरीद लीजिए। यकीन नहीं आता तो एक नज़र उन विज्ञापनों पर भी डाल लीजिए। महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली सिडको एक अप्रतिम अशी गृहनिर्माण योजना घेऊन येत आहे खास आपल्या कोविड योद्ध्यांसाठी। या आपल्या शूर सैनिकांसाठी नव्या मुंबईतल्या विविध नोड्समध्ये 4488 घरं अगदी परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत। सिडको इज ऑफरिंग 4488 फ्लॅट्स इन न्यू मुंबई टू कोविड वॉरियर्स अँड युनिफॉर्म पर्सनल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। Guys, what a beautiful gesture for those who tried their best to keep COVID away. सुन लिया आपने, ये लोग 4488 मकानों की उस विशेष घरकुल योजना का प्रचार कर रहे हैं जिसे स्वतंत्रता दिवस पर चुपके से लॉन्च किया गया। इसे लेकर सिडको MD संजय मुखर्जी उत्साहित हैं और फिल्मी हस्तियों का विज्ञापन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। संभव है इन विज्ञापनों पर भारी भरकम खर्च हुआ होगा ताकि प्रचार और पहुँच बढ़ सके। लेकिन असली सवाल तो यह है कि आखिर इन खर्चीले विज्ञापनों के सहारे कोविड योद्धाओं को सस्ते में मकान कैसे मिलेंगे। सूत्रों की माने तो सिडको के मकान आजकल प्राइवेट बिल्डरों से भी ज़्यादा महंगे हैं। उस पर तमाम तरह के दस्तावेजों की मांग से डिमांड घट रही है। कुछ एक्सपर्ट भी इसकी पुष्टि करते हुए साफ बता रहे हैं कि घरकुल योजना कोविड योद्धाओं के नाम पर डिमांड बढ़ाने का एक पैंतरा है। उन्होंने कहा कि यदि सिडको वाकई कोरोना योद्धाओं का हित चाहती है तो उसे रियायती रेट और मकानों के असली कीमत की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि सिडको का मकसद कुछ और है। सिडको ने कोविड योद्धा के लिए 4488 घर जो बनाया उनको देने के बाद किया है। एक्चुअल में मुझे लगता है कि इससे आपको लोग इससे मतलब के सहमत नहीं है उनके सिडको को, क्योंकि सिडको में जनरली क्या होता है, पेपर वगैरह जो है बहुत ज़्यादा उनका मतलब के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ साथ आपको रेट वगैरह भी उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों की रुझान सिडको से दिन ब दिन कम होते जा रही है। रीज़न ऐसा है कि सिडको जो है सिर्फ प्रलोभन देने का काम करती जा रही है। अब देख मालूम होगा आपको कि सिडको को जब आपको उल्वा एरिया को जब डेवलप करना था, हर घर को तलोजा को डेवलप करना था, तो कभी मेट्रो के नाम पर, तो कभी आपको एयरपोर्ट के नाम पर, इन लोगों को सिर्फ बहकाने का मतलब कि अपना माल को बेचने का काम किया जा रहा है। पब्लिक को अभी तक फ़ायदा पहुंचा नहीं है। इतना सालों में एयरपोर्ट दिखा, इतना सालों में अभी तक मेट्रो दिखा, इससे लाख गुना अच्छा प्राइवेट बिल्डर काम कर रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर तो कम से कम स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन में, GST में छूट देते हैं, लेकिन सिडको ऐसा कुछ छूट नहीं देती है। और सिडको का काम भी जो है ना, आपको बता रहा हूँ कि घटिया तरीके का काम है। आज सिडको का फ्लैट लीजिए, गारंटी नहीं है कि कल स्लैब गिर जाए, परसों उनका प्लास्टर गिर जाए। सिडको जो है सिर्फ फ़ायदा कमाने वाली कंपनी हो गई है
अपने फायदे के लिए वो बेच रही है। आप देखिए तरह तरह का आपको विज्ञापन दे करके बड़े बड़े एक्ट्रेस को ला करके ये अपने माल को बेचने का काम कर रही है। लोग समझदार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।